हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है इट्स मी संजू एंड मेरा नाम है संजना। सो आज का इस जो व्लॉग हम बना रहे हैं, इसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे मेरे जो मैंने अमेज़ॉन से अपने कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे। मैं काफ़ी टाइम से ख़रीदने की सोच रही थी, जो एक दो प्रोडक्ट्स इसमें हैं बट मैंने अब वो मंगा लिए। तो ये हैं मेरे दो प्रोडक्ट्स। एक मेरा ये प्रोडक्ट है और एक है ये वाला। सो ये दो प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं और अभी मैं इनको ओपन करूँगी। तो अभी जो है यहाँ बांसले में लाइक शाम के 7 बज चुके हैं। यहाँ पे यार ठंड बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब पहले के कंपैरिजन में। तो अभी इंडिया में इतनी ठंड नहीं होगी। यहाँ पे जो है टेम्परेचर कल या परसों में आई थिंक मॉर्निंग में 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर था, अभी भी 8-7 डिग्री टेम्परेचर है। एंड मे बी वो दोबारा से टेम्परेचर जो है 3 तक जा सकता है। सो अभी इतनी ठंड बढ़ चुकी है। एंड सो स्टार्ट करते हैं अपनी ये अनबॉक्सिंग। सो अभी हम एक पहला बॉक्स खोलिए ओपन कर रहे हैं। ओके, सो इस बॉक्स में मेरा एक ही प्रोडक्ट है और ये है निम्बोजिन का जो टोनर मुझे चाहिए था। ये निम्बोजिन 3 का टोनर है, सुपर ग्लोइंग एसेंस टोनर। एक्चुअली मुझे ये ट्राई करना था, मैंने इसके काफ़ी रिव्यू देखा है मैंने भी, तो है कि काफ़ी अच्छा है, मुझे ये ट्राई करना था। अभी मैंने ये मंगाया, काफ़ी टाइम से सोच रही थी खरीदने की। निम्बोजिन 3 टोनर है, ये कोरिया बेस्ड टोनर स्किन केयर टोनर है। लाइक जैसे कि कोरिया में है स्किन केयर का अभी कुछ ज़्यादा, तो वहाँ के स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। इसको ओपन करते हैं। वाह, इसकी पैकिंग अच्छी है। बोतल मतलब लाइक प्लास्टिक की बोतल है, अच्छी पैकिंग है। और ये इसका क्लियर सा इसका जो है ये टोनर है। इसमें लिखा है फर्मेंटेशन एसेंस टोनर कंटेनिंग 50 फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स। ये है जो इसमें कुछ 50 इंग्रेडिएंट है जो फर्मेंटेड इन्होंने ऐड किया है। इसमें ये लैक्टोबैसिलस राइस फर्मेंट भी है और कुछ एल्गे एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप फर्मेंट एक्सट्रैक्ट है। तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट 50 या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इसमें लिखे हैं और सब फर्मेंट है, सब में फर्मेंट वगैरह इन्होंने ऐड किया, मतलब सबको फर्मेंट करके ये टोनर बनाया। तो ये टोनर मैं अभी ओपन कर रही हूँ अपना, जिसकी अच्छी लगी। लाइक बेसिक सी कैप का, बिल्कुल प्योर जैसे वाइट में है। ये है ऐसे तो लाइक जो मैं पहले टोनर यूज़ कर रही हूँ, मैं गुड वाइब्स का यूज़ कर रही हूँ, तो वो स्प्रे टोनर है और वो लाइक लिक्विड जैसा है। और ये वाला जो है ये थोड़ा सा इसका जो बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है, बिल्कुल थिक भी नहीं है, बट थोड़ा सा जैसे अगर आप डालते हो हाथ पे तो ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ा सा थिक वाला है, बट ऐसा नहीं है, अच्छा है। अच्छी सी खुशबू, बहुत माइल्ड सी अच्छी सी खुशबू है। मैं ऐसा कोई ये रिव्यू वीडियो नहीं बना रही हूँ, बट जैसे मैंने मंगाया अपना सामान तो मैं इसको ओपन करने के लिए इसे बना रही थी, तो इसका कोई ये रिव्यू वीडियो नहीं है। मैं किसी भी प्रोडक्ट का कोई रिव्यू वगैरह नहीं करना। कैसे स्टिकी सा लगाया है इन्होंने पैकिंग के लिए, बहुत काट दिया। बाकी के मेरे जो प्रोडक्ट हैं ये इसमें हैं, 3, 4। सो ये जो है इस बॉक्स में मेरे ये 4 प्रोडक्ट हैं। ये है मेरा एक, तो मुझे मैं घर पे जो है यूज़ कर रही थी गुड वाइब्स का रोज़हिप सीरम, और वो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल भी लग रहा था। बट अभी यहाँ पे जो है मैंने सर्च किया था अमेज़ोन पे, मुझे वो तो नहीं मिला। देन मुझे ऐसे ये गुड सॉरी रोज़हिप सीड ऑयल मिला है, तो मैंने सोचा कि है तो ये भी रोज़हिप का ही, तो ये ट्राई करके देखती हूँ। वैसे भी मैं जो आमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो खत्म होने वाला है, तो मैंने ये ऑयल मंगाया रोज़िप का, तो देखते हैं ये कैसा वर्क करेगा। पहले तो मैं इसकी फ्रेग्रेंस देखना चाहूँगी कैसी है।
ये तो बिल्कुल ही मतलब लाइक पूरा येलो येलो सा है, जैसे मस्टर्ड होता है, बट हाँ जो इसकी फ्रेग्रेंस है वही वाली है, रोज़हिप सीरम जैसी है, रोज़हिप सीरम जैसी है, बट हल्की ऑयल वाली भी है, थोड़ी अजीब सी है। आई थिंक ये कोल्ड प्रेस्ड है सो इसलिए होगा। तो ये तो मैंने ऐसे ही मंगा लिया था देख के, क्योंकि मुझे रोज़हिप सीरम नहीं मिल रहा था तो मैंने ये रोज़हिप ऑयल मंगा लिया। बट ये इस पे लिखा है 100% प्योर नेचुरल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, सो देखते हैं कैसा वर्क करता है। मेरा तीसरा प्रोडक्ट है ये सीरम, ब्यूटी ऑफ जोसन का ये सीरम है जो मुझे चाहिए था, मैंने ये मंगाया है। एक कोरिया बेस्ड जो है प्रोडक्ट है, एक्चुअली मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बहुत थोड़ा है कि हाँ मुझे ये स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट मैं काफ़ी सारे यूज़ करना चाहती हूँ अभी तो। बट अभी मैं एक करके मंगा रही हूँ, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये है इसकी बॉटल, अच्छी है सिंपल। इसका भी ये थोड़ा सा ऐसे कलर है लाइक इसमें जैसा लिखा है जिनसेंग है, सो जिनसेंग वगैरह प्रोडक्ट जो एक्सट्रैक्ट है वो ऐसा ही कलर उसका है। और ये भी मेड इन कोरिया है, और ये हमारा 30 ml, आई थिंक हाँ ये 30 ml की बॉटल है ये आई है। इसका भी कुछ फ्रेग्रेंस आई थिंक ऐसा ही है जैसा वो रोज़ी ऑयल का था, नहीं इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है लाइक मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं लग रही, अगर होगी तो कोई माइल्ड फ्रेग्रेंस होगी, बट हाँ ये भी बिल्कुल ऐसा है कि लाइक लगाने के बाद पता ही नहीं लग रहा है कि कुछ हाथ पे लगाया भी है। बहुत लाइट प्रोडक्ट है, और मैंने ऐसा भी नहीं किया है कि एक ही जगह पे सब कुछ किया। तो एक चीज़ मैं भूल गई थी दिखानी, ये भी मैंने मंगाया है अमेजोन से, ये कोसारेक्स का जो है मैंने स्नेल मशीन पावर एसेंस मंगाया है। ये भी मुझे ट्राई करना था कि देखना है कि कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब मैंने तीन प्रोडक्ट जो है कोरियन मुझे चाहिए थे मैंने। तो ये अभी ओपन करके देखते हैं कि कैसा है। इसकी भी बॉटल एक्चुअली मुझे ना ये इस टाइप के बॉटल्स बहुत अच्छी लगती है, मुझे इसकी भी बॉटल लाइक पैकेजिंग है जो बड़ी अच्छी लग रही है, और इसकी तो लाइक वो फाइबर वाली है, इसकी थोड़ी जो है प्लास्टिक की जो ऐसे प्रेस करने से वैसे मुड़ती है, तो ये तो वो टाइप वो फाइबर वाली है। मुझे ऐसी बॉटल्स की बड़ी अच्छी लगती है पैकिंग, लाइक सिंपल एंड क्लियर सा है। और अभी ये भी ट्राई करके देखती हूँ थोड़ा सा कैसा लगेगा। पहले तो निकल ही नहीं रहा था और अभी एकदम से, हाँ ये बड़ा ठीक है लाइक ऐसे, ये बड़ा ठीक है। सो इसको जो है एब्जॉर्ब होने में भी टाइम लगेगा आई थिंक। ये जो मैंने थोड़ा सा एक ही पम्प मैंने लाइक करने के एक ही पम्प के अकॉर्डिंग मैंने लिया था, बट ये बहुत ज़्यादा ही लाइक ऐसे शाइन कर रहा है। देखते हैं अभी इसको जब मैं इनको रेगुलर यूज़ करूँगी तो देखती हूँ कि क्या इफेक्ट होगा, लाइक जो मैं जैसे चाह रही हूँ कि कुछ इफेक्ट अच्छा करे और ये करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि लाइक मेरे फेस पर काफ़ी ऐसे निशान छोटे छोटे से वाइट ब्लैक कलर के ऐसे निशान हो गए हैं, तो देखते हैं अगर वो क्लियर होते हैं नहीं, क्योंकि मुझे वो भी क्लियर करने हैं। और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं मुझे तो, मैं तो नॉर्मली भी मंगाती रहती हूँ, मतलब नॉर्मली मंगाती रहती हूँ मतलब ये है कि हाँ मुझे अच्छे लगते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट। इसमें भी कोई फ्रेगनेंस नहीं, लाइक कोई आर्टिफिशियल जैसी तेज़ वाली फ्रेगनेंस नहीं है, सिंपल सिंपल है। तो ये थे मेरे पांच, ये है मेरे पांच प्रोडक्ट जो मैंने मंगाए हैं अमेजोन से। सो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग जिसमें मैंने अपने ये पांच प्रोडक्ट अनबॉक्स किए एंड मुझे अच्छे भी लगे। अभी मैं इनको यूज़ करूँगी तब बाकी देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।